आज जेनेटिक्स कुछ रह नहीं गया है, एपिजेनेटिक्स हैज टेकन ओवर एकेडमिक्स में, लेकिन अभी तक वो मॉडर्न मेडिसिन में परकोलेट नहीं किया है। अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिस अभी भी मॉडर्न मेडिसिन में वही चल रहा है जो 8 साल पहले चल रहा था, लेकिन साइंस ने ये चीज रिकॉग्नाइज कर लिया। जैसे अल्जाइमर डिजीज है जो ओल्ड एज में होता है, उसमें जिन लोगों को जो जानकार है जो पढ़ते रहते हैं, APOE4 जीन रिस्पॉन्सिबल है। APOE4 ये एक जीन है जिनमें है, उनको पहले बोल दिया था कि आपको अल्जाइमर होगा, ये दवा खाते रहिए। अब साउथ अमेरिका में अमेजॉन बेसिन में जो सबसे हेल्दी पॉपुलेशन है गांव का, जो कभी शहर नहीं देखा है, उनमें APOE4 पॉजिटिव, क्या बोलेंगे। इसलिए जेनेटिक्स की जो बात है वो, मान लीजिए कोई बीज है, जेनेटिक्स मतलब बीज, बीज को आपने रेगिस्तान में डाल दिया तो क्या होगा, विदर ऑफ कर जाएगा। बीज को आपने यहां डाल दिया तो क्या होगा, पेड़ बन जाएगा। बीज में जेनेटिक मटेरियल है पेड़ बनने का, पूरा ब्लूप्रिंट है, उसमें कुछ भी नहीं करना है। यह डिपेंड करता है कि बाहर का एनवायरमेंट क्या है, वो पेड़ बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बाहर का एनवायरमेंट चेंज कर दीजिए, जो हम खाने पीने से चेंज कर रहे हैं, जेनेटिक डिजीज इफेक्ट नहीं करेगा।